Assalamualaikum, this is me, Maqbool Atallah, fashion designer. कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं इंशाल्लाह, सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, आज का टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना टेक्सटाइल जो सेकेंड मंथ और सिक्स वीक का था। इसका कलर टास्क मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस वन कलर टास्क, और इसको सामने रखते हुए हमने ये टेक्सटाइल कंप्लीट किया। अच्छा, ये ऐसा फोल्ड हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको जब लैकर फिक्सर किया था तो उसके बाद ये थोड़ा सा हो गया, बट टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, ये हमारा टेक्सटाइल था, हमने इसे कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने किया था फैशन ड्राइंग, और फैशन ड्राइंग को भी हमने फिक्सर किया और उसके बाद ये भी थोड़ा कर्व हो गया, टेंशन की कोई बात नहीं। तो इसके साथ नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न। पैटर्न में हम लोगों ने क्या करना है, शोल्डर एंड डॉट, आर्म होल का स्टार डॉट, यानी कि डॉट रिप्लेसमेंट की शेप जो है उसको यूज़ करते हुए हम लोगों ने फ्रंट और बैक शोल्डर ब्लाउज बनाना है। गलत भी हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली इस टाइम तकरीबन रात का ढाई बज गए, हाँ ढाई से ऊपर टाइम हो गया, यानी कि राउंड अबाउट इस टाइम, एक मिनट मुझे एक्यूरेट टाइम देख लेते हैं, 2:40 एंड समथिंग जो है वो टाइम हो चुका हुआ है और मैं इस टाइम लेक्चर बना रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा ऑटो स्टेशन था और वहाँ से आते ही, वापस आते ही मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो उसको देना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स जो है वो वेट पे होंगे कि आज क्या काम करवाया जा रहा है। तो जनाब, यहाँ पर हम डॉट रिप्लेसमेंट की शेप को यूज़ करेंगे फ्रंट और बैक ब्लाउज के ऊपर, और लास्ट वीक में भी हम लोगों ने कफलिंग स्लीव की थी, वो हाफ थी और ये 3/4 है, इसको यूज़ करेंगे। और इसके साथ हम लोग करेंगे यूज़ स्कर्ट हाफ का एयरलाइन। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है, और एज़ यू नो कि इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ। हमें चाहिए वाइट पेपर, वाइट पेपर के साथ हमें चाहिए आपके पास एक स्टेंसिल्स, और ये ब्लाउज़ की स्कर्ट, एंड दिस वन इज़ अ स्लीव, ये हो गया। और इसके साथ हमें चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, मुझे अब देखना पड़ेगा। हमें चाहिए इसके साथ फिल टेप, और हमें चाहिए इसमें ब्लू एंड रेड पेन, ठीक है, लेड पेंसिल, सीजर और ग्लू और स्केल, और क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए और चाहिए आपकी तवज्जो। तो जनाब, मैं इसको स्टार्ट करूंगा आपके सामने इसको बनाने का तरीका, और मैं इसको वर्बली बताऊंगा क्योंकि ये मेजर चीज़ है। ड्राइंग जो है वो आपको पता है कि हर बंदा अपने हिसाब से करता है, बट पैटर्न जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो आए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। लेकिन जनाब, इसको करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डबल ए पेपर हम लेंगे और इसको ग्लू स्टिक के साथ मैच करेंगे। मैं इस पर एक ग्लू स्टिक अप्लाई करूंगा। ओके, ये ग्लू स्टिक मैंने अप्लाई कर दी, इसको बंद, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपना पेपर। अभी पेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ रखेंगे। ये रखने के बाद जब आपको लगे कि वो एक्यूरेट है देन आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया, वाओ, मेरे ड्राइंग बोर्ड जितना तो ये पेपर बन गया। ओके, अब हम इस पर स्टार्ट करते हैं ब्लाउज। हमें इसमें ब्लाउज जो है वो यूज़ करना है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसको जो है ना क्लियर करके दिखा भी देता हूँ। हमें इसमें जो यूज़ करना है ब्लाउज, वो शोल्डर का एंड और आर्म होल का स्टार डॉट यूज़ करना है। मेरी फिंगर से आपको शायद फील ना हो, बट मैं पेंसिल से यूज़ करके दिखाता हूँ, होप सो आप लोगों को नज़र आएगा। ये हमारी शोल्डर लाइन है, इसमें अब हम डॉट नहीं लेंगे, और आर्म होल में भी डॉट नहीं लेंगे, इन दोनों के बिटवीन जो है वो हम होल डॉट लेंगे ताकि वो एक शेप जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको बनाना कैसे, इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सबसे पहले हम लोग इसकी वेस्ट लाइन जो है, एज यू नो कि हम लोग उसको क्लियर करते हैं। मैं यहाँ पर वेस्ट लाइन रेड लाइन के साथ जो है वो प्रोमिनेट कर दूँगा कि ये हमारे पास वेस्ट एरिया है, और हमने इसके अंदर रहते हुए ही अपना पैटर्न जो है वो बनाना है, ठीक है। ये वेस्ट लाइन मैंने क्लियर कर दी है कि अब इसके अंदर ही हमें काम करना है। तो लेकर आए ब्लाउज को, ब्लाउज को यहाँ रखा, बेसिक स्कर्ट के डॉट को ब्लू पेन के साथ हमने क्लियर कर दिया। अगर ये लाइन थोड़ी सी बाहर भी निकल जाए
तो आप इसको इरेज कर सकते हैं ताकि आपकी चीज़ अच्छी बने। ओके, मैंने इसको इरेज कर दिया और उसके बाद अब हम इसके बाकी के पॉइंट्स जो हैं वो फिल टिप के साथ करेंगे। सबसे पहले हम फैशन ड्राइंग देखेंगे। फैशन ड्राइंग में हमारा नेकलाइन क्या है, नेकलाइन डीप है, ठीक है। अब उस डीप के हिसाब से पहले तो हम ये बेसिक ही बनाएंगे, दिस वन, और उसके बाद अब ये मैंने शोल्डर का एक पॉइंट लगा दिया। ओके ओके, अब यहाँ पर हम इस डॉट को बंद करेंगे शोल्डर वाली साइड पे। ये मैंने शोल्डर का डॉट बंद कर दिया, ये दूसरा पॉइंट। ओके हो गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया और बाकी का एज इट इज़ ही मैं रखूँगा। और ये आर्म होल और ये वेस्ट लाइन। ओके ओके, अब इसको लगाने से पहले मैं इस पर चेस्ट और बस्ट की जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। ये चेस्ट और बस्ट के पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। अब हम इसको स्केल लेते हैं और इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हाईलाइट हो गया इधर से भी और इधर से भी। ओके हो गया। अब फिल टिप के साथ हम ऊपर का शोल्डर जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन पर लेकर आएंगे। ये हमारा शोल्डर अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। ओके ओके, अब ब्लू पेन लेंगे और ब्लू पेन के साथ हम इन पॉइंट्स को दोबारा से इसके साथ मैच करेंगे, नंबर वन एंड नंबर टू। और इसी तरह वेस्ट के डॉट को भी मैं डार्क कर दूंगा। तो ये जनाब हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। और इसी तरह अब बैक साइड का जो ब्लाउज है उसको हम करेंगे। और बैक साइड का जो ब्लाउज है वो एज इट इज ही इसके ऊपर जो है वो लाइन अप हो जाएगा लाइक दिस। ओके, इसमें हम डॉट को जो है वो प्रोमिनेट कर देंगे। अच्छा, मुझे इस टाइम ना अजीब सी नींद भी आ रही है और ये नेक लाइन, उसी तरह ये शोल्डर लाइन, उसी तरह ये आर्म होल लाइन और साइड सीम लाइन। ओके ओके, साइड सीम लाइन भी हमने क्लियर कर दी। अब इस पे हम रेड पॉइंट करेंगे चेस्ट और बस्ट पॉइंट को। ओके ओके, अब इसको उठा लिया। अब चेस्ट और बस्ट पॉइंट जो है उसको प्रोमिनेट कर देंगे लाइक दिस। ओके, नीचे से भी इसको पुल अप कर देते हैं और ब्लू के साथ इस डॉट को डार्क कर देते हैं। ओके ओके, अच्छा मुझे डार्क से याद आया, दुर्दाना आपकी बात मुझे माइंड में है कि आपने कहा था कि बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट्यूम जो है वीडियो वेरी स्टार्टिंग वीडियो उसमें जो बेसिक बॉडी ब्लाउज है, स्कर्ट है, स्लीव है, वो मैं डार्कर करके शो करूँ। एक्चुअली जब नया नया मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, यू नो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माइंड में तभी आती हैं जब आप उनको यूज़ करते हो। तो जब मैंने वो बनाई थी मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगी थी, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स का कहना है कि वो हमें बिल्कुल भी शो नहीं होती, बहुत लाइट पेंसिल यूज़ की गई है वहाँ पे, तो काइंडली वो दोबारा करें। तो इंशाल्लाह मैं वो दोबारा ज़रूर करूँगा। देखें, मुझे याद था मैंने इस टाइम आपका जिक्र किया और मैंने आपको बताया कि वो मैं ज़रूर करूँगा। ओके, अब हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। अब हम स्कर्ट की तरफ मूव करते हैं। स्कर्ट के लिए हम लोग उसी तरह वेस्ट के डॉट को ब्लू के साथ हाईलाइट करेंगे और बाकी की लाइन जो है वो सारी की सारी फिल टिप के साथ लाइन अप कर देंगे, ये और ये। जितना स्लो काम हो रहा है मुझे वाकई नींद आ जानी है अच्छा चले, नहीं आती नींद, मैं कंट्रोल करूँगा। ये देखें, ये रेड लाइन जो है इसको भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया और यहाँ से भी मैंने रेड लाइंस को पॉइंट आउट कर दिया। अब मिनी जैपनीज के साथ आप इसको दोबारा हाईलाइट कर दें। ओके ओके, और उसी तरह ब्लू के साथ इसको दोबारा प्रोमिनेट कर दें। ओके, यहाँ तक ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसी तरह बैक साइड जो है उस पर भी हम अपनी स्कर्ट को जो है वो लाइन अप करते हैं। जी,
और इसी तरह ये स्कर्ट का पूरा एरिया जो है वो लाइन अप हो जाएगा। ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इस पे हिप और हिप डॉट लाइन के पॉइंट्स जो हैं उनको प्रोमिनेट करना है विद द रेड। ये देखें जनाब, यहाँ हम लोगों ने ट्विस्ट कर दिया। ओके, अब हम इसको जो है वो करेंगे एक्सटेंसल के, इसको एक्स्ट्रा कितना है और इसको एक्स्ट्रा कितना करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। हम इस लाइन को जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं नीचे की दोनों के पॉइंट्स को। लास्ट वीडियो में आई होप सो कि मैंने हाफ किया होगा, क्योंकि इस टाइम तो मैं फाइल ओपन नहीं करके देख सकता, बट आप लोगों को पता होगा। बट यहाँ पर मैं इसको फुल स्केल जो है वो देना चाह रहा हूँ। हाफ ही दिया होगा शायद, तो यहाँ मैं इसको फुल दे रहा हूँ। जो स्टाइल लाइन होती है ना, उसका कोई रूल नहीं होता, वहाँ पर डिपेंड करती है कि आपको जो चीज़ सूट करे आप उस हिसाब से उसको कर सकते हैं। अब ये मैंने स्केल यहाँ रखा और ये यहाँ पे मैंने वेस्ट लाइन पे रखा, और उसी तरह मैंने इन लाइंस को प्रोमिनेट कर दिया यहाँ तक। अच्छा, अब इसकी लेंथ हम कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ से वेस्ट पे रखे चेक करेंगे 25, तो इसके डायगनल पे भी 25 पे हम क्लिक क्लिक कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर भी इसके वेस्ट पे रखेंगे और इसके इस राउंड पे, और ये लाइन भी इसी तरह यहाँ से यहाँ पे ये 25 पे हमने दोबारा रिमार्क कर दिया। और अब इस लाइन को डिपेंड ऑन यू, कर्व लेके जाना चाहते हैं या डायगनल। मैं डायगनल लेके जाऊँगा, इसी तरह इधर से भी। ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने ब्लाउज और स्कर्ट को मैच कर दिया। मैं एक दफ़ा फिर से आपको पैटर्न चेक करवाता हूँ, आपको वहाँ से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस, कि ये हमारा ब्लाउज का एरिया था, ये हमारा ब्लाउज का एरिया था, और ये हमारे स्कर्ट के एरिया थे, ठीक है। उसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर स्कर्ट और ब्लाउज को जो है वो मेनटेन करते हुए अपना पैटर्न क्लियर कर दिया। अब आई बात स्लीव्स की, तो स्लीव्स के ऊपर चलते हैं, आप लोग देखें और होप्स आप लोगों को क्लियर होगा। जी जनाब, अब हमारी बारी है स्लीव की, और उसके लिए हमें क्या करना है, 3/4 स्लीव लेना है। 3/4 स्लीव का एक्सटेंसर लिया और इसको लाइन अप कर देते हैं। मैं आज मार्क कर देता हूँ इसको मिनी स्केल, ये मिनी स्केल। ओके, अब मैं ब्लू लाइन को प्रोमिनेंटली सेंटर लाइन शो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रेड के साथ मैं इसका अराउंड जो है वो प्रोमिनेंट कर देता हूँ। ये प्रोमिनेंट हो गया। अब एक्सटेंसल को जो है वो मैं इसको सेंट्राइज करते हुए यहाँ अपने स्लीव कैप का अराउंड जो है वो सारा लाइन अप कर देता हूँ। ये स्लीव कैप, ये साइड सीम, ये हेम लाइन, और ये साइड से। अच्छा, मैं हर पैटर्न की लाइन का नाम साथ साथ जो है वो बताता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझें कि हर लाइन का एक नाम है। और जब आप अपना प्रोजेक्ट मुझे सबमिट करवाते हैं, वल्ला उसमें बहुत सी मिस्टेक होती हैं, उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ना हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करें तो नहीं होगा ऐसा। ओके, अब हम इसमें यूज़ करेंगे पेंसिल को यूज़ करते हुए 1.5 स्केल के ऊपर, 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक बॉर्डर लाइन दे दी। उसी तरह 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर हम लोगों ने एक स्ट्रेट बॉर्डर दे दिया, और इधर से भी 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर हम लोगों ने एक स्ट्रेट बॉर्डर अप कर दिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो भी एरिया बचा इसको हम लोग कर देंगे 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड, और ये मैंने इसको कर दिया, ठीक हो गया। अब इन लाइन्स को हम थोड़ा सा प्रोमिनेट कर देते हैं, और प्रोमिनेट कैसे करना है, सबसे पहले इस लाइन को डाउन टू अप स्ट्रेट लगा दें,
लाइक दिस ओके. देन इस कफ के पॉइंट को आप क्लियर कर दें और इसको भी अप कर दें. ओके हो गया. अब इसके अंदर की जो लाइंस हैं इनको भी अप कर दें, इसको भी क्रॉस अप कर दें. तो ये देखें जनाब, हमारी कफलिंग स्लीव का जो बेसिक पैटर्न है वो आपके सामने क्लियर हो गया. ठीक है, ओ मैं ये क्या दिखा रहा हूँ. ओके ये देखें, ये हमारा कफलिंग स्लीव है, इसका बेसिक ये आ जाएगा नंबर वन पे. अब इसकी हम कटिंग करते हैं और फिर उसको दोबारा अप्लाई करते हैं. तो आए देखें इसकी कटिंग कैसे करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैंने इनकी कटिंग कर ली है, लेकिन इसमें नेकलाइन जो है उसकी शेप जो है वो अभी क्लियर करनी है. तो ये मैं फ्रंट साइड पे आता हूँ और फ्रंट साइड के ऊपर मैं इसको क्लियर करने की जो है वो आप लोगों को रेसिपी बताता हूँ. ये एटलीस्ट मैं 2.5 सेंटीमीटर जो है वो ले लेता हूँ शोल्डर. ये हमारे पास 2.5 शोल्डर आ गया, ठीक है नेकलाइन के लिए. और यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर तक डाउन कर देता हूँ, ठीक है. और अगर आप इसको मज़ीद डाउन करना चाहते हैं इट्स अप टू यू, मैं 5 तक इनफ है आई थिंक. इसको करने के बाद फ्रेंच कर्व के साथ इसमें नेकलाइन की शेप दे देता हूँ. आप इसकी फैशन ड्राइंग देखेंगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसकी जो नेकलाइन है वो ये देखें वी नेकलाइन है. हमने इस वी नेकलाइन को प्रोमिनेट करना है यहाँ पे. तो उसके लिए मैं इस शेप में जाऊंगा और इस वी को प्रोमिनेट कर दूंगा विद फिल टिप कि ये अब हमारी एक्चुअल नेकलाइन है, ठीक है. और इसके साथ ही इसकी यहीं से कटिंग भी कर दूंगा, ये कटिंग यहाँ पे. ओके हो गया, ये हमारा फ्रंट साइड जो है वो तैयार हो गया. अब बैक साइड के ऊपर आते हैं और बैक साइड के लिए हमें क्या करना है. बैक साइड के लिए एक आसान सा मेथड होता है, अगर आपको मेजरमेंट कंफ्यूज करे तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका फ्रंट और बैक कितना है. यहाँ पर हमारा बैक आ रहा है, ठीक है. ये मैंने अब एरिया ले लिया है. अब यहाँ पर मैं जापनीज स्केल के साथ ग्रुप करूँगा इसको. ये मैंने 2.5 ले लिया और यहाँ से भी इस एरिया को मैंने इसके साथ मैच कर दिया. अब हमारे पास बैक का एरिया आ चुका हुआ है. इसके अंदर मैं कर्व जो है उसको ऐड करता हूँ क्योंकि हम लोग कर्व में कर रहे हैं. फ्रंट मेहराब हो गया, बैक कर्व हो जाएगा, ठीक है. अब इसको हाईलाइट कर देते हैं. अब इसको भी सीजर के साथ जो है कट कर देते हैं कि बैक नेकलाइन हमारी बन गई. ले जनाब, ये हमारे पास पैटर्न की जो कंडीशन है वो क्लियर हो गई इस तरह और इस तरह. तो जनाब, आज का जो हमारा पैटर्न टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर दिया. मतलब हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस बुक थी, इंस्ट्रक्शन पेपर था, प्रोजेक्ट था जो हमें मिलता है, उसको सामने रखते हुए मैंने अपना प्रोफेशनल पैटर्न जो है वो इस कॉस्ट्यूम का बना लिया. यानी एनी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट्यूम के बाद आप बेसिक पैटर्न के साथ कैसे खेलते हैं आपको आना चाहिए.
तो ये जनाब मैंने कंप्लीट कर दिया है और आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी सारी समझ भी आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट अब इसकी स्टिचिंग का हमारा प्रोजेक्ट होगा, तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी सारा दिखाऊंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, तब तक इंतज़ार कीजिएगा मेरा भी, मेरी वीडियोज़ का भी। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, सेकेंड बार लाइक आपका पहले वाला लाइक भी डिस्टर्ब कर देता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मां सलाम।